दिमाग का कीड़ा अभी 2 मिनट के अंदर आपके नाक से या फिर कान के रास्ते एक जादुई तेल के द्वारा जो कि उन कीड़ों को मूर्छित कर देगा, और हम लोग इनको निकालेंगे कान के रास्ते, और इस ट्रे के अंदर वो कीड़े आके गिरेंगे जो आदमी को बीमार बना सकते हैं, मिर्गी के दौरे कर सकते हैं। उनको हम एक तेल लगाकर कान के ऊपर और उसके अंदर डाल के इस स्ट्रो के माध्यम से बाहर सक कर लेंगे, और नाक से भी, नाक के रास्ते से भी हम लोग उनको, कीड़ों को बाहर निकाल के इस ट्रे के अंदर डालेंगे। जो कीड़े बड़े खतरनाक हो सकते हैं, आपके दिमाग को खा जा सकते हैं अंदर से और मिर्गी के दौरे कर सकते हैं, उन कीड़ों को अभी हम लोग बाहर इधर इस ट्रे के अंदर निकालेंगे। देखिए कुछ कीड़े यहाँ पर इसमें आ गए हैं जो कि उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये नाक के रास्ते से और कान के रास्ते से इनको निकाला जाता है, और 2 मिनट के अंदर ये इंसान के दिमाग से और नाक से बाहर आ सकते हैं। ये दौरे मिर्गी के दौरे हैं। ये कीड़े इस ट्रे के अंदर, इधर देखें, इधर आए हैं क्या? इधर इस ट्रे के अंदर आ गए हैं कीड़े, दिमागी कीड़े। आज मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, न्यूरो सर्जन विर्क हॉस्पिटल करनाल से आज आपको दिमागी कीड़ों का पूरा सच बताना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि वो कीड़े किस प्रकार दिखते हैं और वो इंसानी दिमाग के अंदर किस प्रकार पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो कीड़े किस तरह के होते हैं सच में, वो किस तरह की बीमारी आपके अंदर पैदा कर सकते हैं, और हम उनको किस तरह से देख सकते हैं कि वो कीड़े कैसे होते हैं। दिमागी कीड़ा इंसान के दिमाग के अंदर पहुंचता है कच्ची सब्जियां खाने की वजह से, या कुछ लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके दिमाग के अंदर ये पहुंचता है सुअर का मीट खाने की वजह से जो कि पूरी तरह से नहीं पका हो। पत्ता गोभी इस मामले में काफ़ी पीछे फेमस भी रहा है, क्योंकि इसके पत्तों के बीच के अंदर बारीक छोटे छोटे अंडे की फॉर्म के अंदर कीड़े चले जाते हैं जो कि हम नंगी आंखों से नहीं देख रहे हैं, देख सकते हैं। आज मैं इनको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दाने होते हैं ये कीड़े तो नहीं है, मगर वो इस तरह की राउंड शेप में होते हैं जो कच्चा खाने की वजह से इंसानी पेट में, और वहाँ से होकर वो इंसान के दिमाग तक या शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचते हैं। तो दिमागी कीड़े के आखिरकार लक्षण क्या हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के दिमाग के अंदर कीड़ा हो सकता है। इस बीमारी के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है कि इंसान को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं, शरीर में झटके आने शुरू हो जाते हैं, या फिर एक साइड उसकी कमजोर पड़ सकती है, आंखों से दिखने में दिक्कत हो सकती है, स्वभाव में बदलाव आ सकता है, या फिर उसके बैलेंस में खराबी आ सकती है। तो ये छोटे छोटे कीड़े हमारे आंत के रास्ते से वो हमारे दिमाग के अंदर तक पहुंच जाते हैं, और अंदर दिमाग के गहरे हिस्सों के अंदर जाके समा जाते हैं। तो जो दिमागी कीड़ा है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में न्यूरोसिस्टिसरकोसिस भी बोलते हैं, वो वास्तव में क्या उन्हीं कीड़ों के जैसा दिखता है जैसा कि अभी मैंने आपको उस ट्रे के अंदर दिखाया? क्या वो उन्हीं छोटे कीड़े जो कि हमें सब्जियों में या फलों के अंदर पाए जाते हैं उनके जैसा दिखता है, और वो आखिरकार दिमाग तक पहुंचता कैसा है? नहीं, ये जो कीड़े होते हैं वो एक लंबे या सच्चे कीड़े की शेप के नहीं होते हैं, वो अंडे होते हैं कीड़े के जो दिमाग तक पहुंच जाते हैं, और उनका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता है उनके चारों तरफ सूजन आनी शुरू हो जाती है, और वो हमारे दिमाग की गहराई के अंदर, सॉफ्ट ब्रेन के अंदर समा जाते हैं। उनका शेप और उनकी साइज जो होती है वो एक छोटी गेंद या छोटे अंडे के प्रकार की होती है। ये गेंद भी वास्तव में वो दिमागी कीड़े नहीं हैं, मगर लेकिन उनका आकार बिल्कुल हूबहू इन्हीं के जैसा होता है, और वो जो मेडिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। इन दिमागी कीड़ों को कभी भी डॉक्टरी इलाज के द्वारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद ही कभी कोई कीड़े का साइज इतना बड़ा हो कि ऑपरेशन करके उसको निकाला जाए, या वो दिमाग में बहने वाले पानी को रोके, मगर लेकिन इन कीड़ों का आकार और उनकी जो शेप है वो हूबहू इन छोटी गेंदों के तरह ही होता है, और वो हमारे दिमाग के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। इनको ऑपरेशन करके कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अक्सर मिर्गी के दौरे की शेप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, और लोगों को सर के दर्द की, उल्टी की, डिसबैलेंस की, या दिखने की दिक्कत उनसे पैदा होती है। 3 साल
इनका लगभग दवाइयों के द्वारा इलाज करने से इनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है और ये आदमी के एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो कीड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई भी कच्ची सब्जी जैसे कि गाजर, मूली या फिर पत्ता गोभी जो है उनको कच्चा या तो खाएं ही ना, और यदि आप उन्हें कच्चा खाते हैं तो अच्छे से उनकी साफ़ सफाई पहले कर ली जानी चाहिए ताकि उन कीड़ों के अंडे हमारे पेट तक और हमारे दिमाग तक ना पहुंचे। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी मांस को पूरी तरह से पकाकर ही खाएं ताकि वो कीड़ा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करें। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और यदि दिमागी कीड़े हो जाते हैं किसी इंसान को तो वो डॉक्टरी हेल्प ले और मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये जो हम लोगों ने अभी आपको वीडियो दिखाई थी नाक के रास्ते से किसी के दिखाने के स्ट्रे रही, ये एक फेक ड्रामा था। ये हम लोगों ने वो तरीके बताए हैं जो कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं और सच्चा मानते हैं, जबकि ना तो इस तरह से कोई कीड़ा आप दिमाग से निकाल सकते हैं और ना ही वो कीड़े इस कीड़ों के जो अभी हमने आपको दिखाए उनके से मिलते जुलते होते हैं। ये कीड़े सब्जियों से, फलों से हमने आपको केवल दिखाने के लिए ही यहाँ पर रखे हैं। थैंक यू करनाल प्लस फॉर मेकिंग सच अ एजुकेशन सीरीज। थैंक यू सो मच।